नमस्ते, वेलकम टू आवर MPL रमी चैनल। आज हम सीखेंगे रमी कैसे खेलते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। रमी खेल के सिर्फ मजा ही नहीं बल्कि आप जीत सकते हैं अमेजिंग रिवॉर्ड्स भी। तो दोस्तों, अपने कार्ड स्किल्स को निखारिए और हमारे साथ बने रहिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। रमी एक स्किल बेस्ड गेम है जो घर घर में खेले जाने वाला ताश और पत्तों का गेम है। ये गेम दोस्तों के साथ खेलने में और भी मजेदार होता है। इस वीडियो में हम आपको दो तरह का रमी खेलना सिखाएंगे, ताश के साथ रमी और ऑनलाइन रमी। इस वीडियो को देख के आपकी रमी की स्किल्स इम्प्रूव होगी। रमी, स्पेशली 13 कार्ड रमी, अगर आपको ये स्किल्स इम्प्रूव करना है तो ये वीडियो देखकर जरूर पॉसिबल है। रमी खेलने का मेन ऑब्जेक्टिव है वैलिड सेट्स और सीक्वेंसेस बनाना। सेट्स, जिसे सर भी कहते हैं, 3 या 4 कार्ड्स का ग्रुप होता है जो सेम रैंक के हो, और सीक्वेंसेस 3 या 4 कंसेक्यूटिव कार्ड्स का ग्रुप होता है। देखिए ऐसे। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है। एक सेट हो सकता है 3 किंग्स का और एक सीक्वेंस हो सकता है 4, 5, 6 ऑफ हार्ट्स का। एक सेट या सर तब बनता है जब आपके पास 3 या 4 कार्ड्स सेम रैंक के हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 किंग्स है, किंग ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ डायमंड्स और किंग ऑफ स्पेड्स, तो ये एक सेट है। ऐसे ही अगर आपके पास 4 10s है, 10 ऑफ क्लब, 10 ऑफ डायमंड्स, 10 ऑफ स्पेड्स और 10 ऑफ हार्ट्स, तो ये भी एक सेट है। एक सीक्वेंस तब बनता है जब आपके पास 3 या ज्यादा कंसेक्यूटिव कार्ड्स सेम सूट के हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 4, 5, 6 और 7 ऑफ हार्ट्स है तो ये एक सीक्वेंस है। ये भी याद रखें कि एक प्योर सीक्वेंस तभी वैलिड होता है जब उसमें कोई जोकर यूज ना किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3, 4, 5 और 6 ऑफ स्पेड्स है तो ये एक प्योर सीक्वेंस है। अगर आपने जोकर यूज किया है, जैसे 4 ऑफ हार्ट्स, 5 ऑफ हार्ट्स, 6 ऑफ हार्ट्स और एक जोकर, तो ये एक इम्प्योर सीक्वेंस होगा। रमी में हर प्लेयर को 13 कार्ड्स दिए जाते हैं। एक स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स यूज होता है जोकर्स के साथ। पॉइंट्स, रमी के लिए 2 52 के डेक्स यूज होते हैं। एक पैक से रैंडम एक ही कार्ड जोकर बनाया जाता है। पहले आपको अपने कार्ड्स को अरेंज करना होगा। कार्ड्स को अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अरेंज करें, जिससे आपके लिए सेट्स और सीक्वेंसेस बनाना आसान हो जाए। रमी में जोकर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जोकर्स को आप किसी भी कार्ड को रिप्लेस करने के लिए यूज कर सकते हैं। 2 तरह के जोकर्स होते हैं, प्रिंटेड जोकर और वाइल्ड कार्ड जोकर। वाइल्ड कार्ड जोकर वो कार्ड होता है जो रैंडमली सिलेक्ट होता है गेम के शुरू होने पे। यहाँ देखिए, मैंने 5 ऑफ हार्ट्स को यूज करके सीक्वेंस कंप्लीट किया है। 3 ऑफ हार्ट्स, 4 ऑफ हार्ट्स, जोकर, 5 ऑफ हार्ट्स एंड 6 ऑफ हार्ट्स। अगर प्रिंटेड जोकर वाइल्ड कार्ड के तौर पे पिक किया जाता है तो एस यानी कि ए उस गेम के लिए वाइल्ड जोकर बन जाता है। अगर सीक्वेंस में वाइल्ड कार्ड जोकर, जैसे इस एग्जाम्पल में 5 ऑफ हार्ट्स यूज होता है, तो ये प्योर सीक्वेंस कहलाता है। लेकिन अगर जोकर किसी और कार्ड के रूप में यूज होता, जैसे कि यहाँ पे 5 ऑफ हार्ट्स के अलावा कोई और जोकर यूज होता, तो ये सीक्वेंस इम्प्योर सीक्वेंस कहलाता। अपने टर्न पर आपको या तो ड्रॉ पाइल से या डिस्कार्ड पाइल से एक कार्ड लेना होता है। उसके बाद आपको अपने हाथ से एक कार्ड डिस्कार्ड करना होता है। एम ये होता है कि आप अपने कार्ड्स को सेट्स और सीक्वेंसेस में अरेंज कर सके। हर टर्न पर सोच समझकर कार्ड उठाएं और डिस्कार्ड करें ताकि आपकी स्ट्रेटेजी स्ट्रांग रहे। रमी में जीतने के लिए आपको अपने हाथ में एक प्योर सीक्वेंस और बाकी वैलिड सेट्स या सीक्वेंसेस बनाने पड़ते हैं। चलिए एक गेम प्ले से समझते हैं। Round 1 में मैंने स्टॉक पाइल से एक कार्ड ड्रॉ किया। शुरू में कार्ड्स रैंडम होते हैं,
इसलिए पहले ड्रॉ करने से हाथ को बेटर बनाने की कोशिश होती है। यहाँ मैंने 5 of Hearts ड्रॉ किया जो कि मेरी हेल्प कर सकता है एक सीक्वेंस बनाने में। मैंने अपने हाथ को सॉर्ट किया और देखा कि 2 of Diamonds, 3 of Diamonds और जोकर है जो एक प्योर सीक्वेंस बबनाने में मदद करेंगे। फिर मैंने 8 of Clubs को डिस्कार्ड किया क्योंकि ये मेरे लिए अब यूजफुल कार्ड नहीं है। राउंड 2 में मैंने एक और कार्ड ड्रॉ किया और अपने कार्ड्स को सॉर्ट करना शुरू किया। मैंने 7 of Spades ड्रॉ किया जो एक सेट बनाने में काम आ सकता है। अब मेरे पास 7 of Spades, 7 of Hearts और 7 of Clubs है। मैंने 2 of Diamonds, 3 of Diamonds, जोकर और 5 को यूज करके एक सीक्वेंस बनाया। यहाँ जोकर को 4 of Diamonds के तरह यूज किया गया है। फिर मैंने 6 of Spades को डिस्कार्ड किया क्योंकि वो मेरे सेट्स या सीक्वेंसेस में नहीं फिट हो रहा था। राउंड 3 में मैंने एक और कार्ड ड्रॉ किया और अपने फाइनल मूव्स बनाए। अब गेम एंड की तरफ है इसलिए अपने कार्ड्स को केयरफुली मैनेज करना जरूरी है। मैंने 10 of Hearts ड्रॉ किया जो मेरे एग्जिस्टिंग कार्ड्स के साथ एक सीक्वेंस कंप्लीट कर सकता है। अब मेरे पास 9 of Hearts, 10 of Hearts, जोकर और क्वीन ऑफ हार्ट्स का एक वैलिड सीक्वेंस बन गया है। जोकर को यहाँ 11 ऑफ हार्ट्स के रूप में यूज किया गया है। साथ ही मैंने 7 ऑफ स्पेड्स, 7 ऑफ हार्ट्स और 7 ऑफ क्लब्स का एक वैलिड सेट बनाया। मेरे हाथ में सब कुछ रेडी है इसलिए मैं अपने कार्ड्स को डिक्लेयर करने के लिए रेडी हूँ। मेरे पास एक प्योर सीक्वेंस है 2, 3, 4, 5 of Diamonds, एक वैलिड सेट है 7 of Spades, 7 of Hearts, 7 of Clubs और एक वैलिड सीक्वेंस 9, 10, 11 जोकर, क्वीन ऑफ हार्ट्स, जोकर जो कि किंग ऑफ हार्ट्स है, वाइल्ड कार्ड 4 जो कि एस ऑफ हार्ट्स है। अब मैं अपने हाथ को रिवील करूंगी। देखा कितना सिंपल है रमी खेलना और जीतना। अब जीतने के बाद पॉइंट्स कैलकुलेट करना भी बहुत जरूरी होता है। पॉइंट्स का कैलकुलेशन आपके अनपेड कार्ड्स के बेसिस पर होता है। प्योर सीक्वेंस के कार्ड्स को कैलकुलेट नहीं किया जाता है क्योंकि ये मैंडेटरी है। जोकर को यूज करने पर उसकी पॉइंट 0 काउंट होती है। जो कार्ड्स सेट्स या सीक्वेंसेस में नहीं है उनके फेस वैल्यू के पॉइंट्स काउंट होते हैं, जैसे 8, 9, 10 की वैल्यू 8, 9, 10 ही होती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मेरे पास ये कार्ड्स है 2, 3, 4, 5 of Diamonds, एक प्योर सीक्वेंस है। 7 of Clubs, 7 of Spades, 7 of Hearts एक वैलिड सेट है। 9, 10, 11 जोकर, क्वीन ऑफ हार्ट्स, जोकर जो कि किंग ऑफ हार्ट्स है, वाइल्ड कार्ड 4 जो कि एस ऑफ हार्ट्स है, 8 of Clubs जो कि अनपेड कार्ड्स है। तो यहाँ मेरे पास एक प्योर सीक्वेंस और एक वैलिड सेट है जो जीतने के लिए सफिशियंट है। मेरे अनपेड कार्ड्स सिर्फ 8 of Clubs है इसलिए पॉइंट्स कैलकुलेट करते वक्त सिर्फ 8 of Clubs को काउंट किया जाएगा जिसका फेस वैल्यू 8 है। मेरे टोटल पॉइंट्स 8 है जो गेम के एंड में काउंट करना होगा। रमी जीतने के लिए सबसे पहले वैलिड डिक्लेरेशन करना और कम से कम पॉइंट्स होना जरूरी है। इसलिए गेम के हर स्टेज पर अपने कार्ड्स को अच्छे से मैनेज करें। इससे आप अपना स्कोर कम से कम रखते हैं और जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। आप तो जानते हैं ऑनलाइन रमी ऑनलाइन कितना पॉपुलर है और आपको काफी सारे एप्स मिल जाएंगे ऑनलाइन रमी खेलने के लिए, पर मुझे जो ऐप बेस्ट लगता है वो है MPL। ऑन MPL's रमी गेम आप 100% सेफ्टी से रमी खेल सकते हैं रियल प्लेयर्स के साथ और यहाँ अपना जीता हुआ अमाउंट निकालना भी बहुत ही आसान है। इसलिए आई थिंक MPL रमी ऑनलाइन रमी के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। MPL रमी में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रमी गेम खेलने और कई सारे लीडरबोर्ड टूर्नामेंट खेलने मिल जाएंगे। इस प्लेटफॉर्म पे खेलकर आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और नए ओपोनेंट्स के साथ कम्पीट कर सकते हैं। आप इस प्लेटफॉर्म पे पहले बिल्कुल फ्री खेल सकते हैं फ्री लॉबीज पे। यदि आपको ऑनलाइन रमी खेलना है तो हम एक और डिटेल वीडियो भी लाएंगे कि ऑनलाइन रमी कैसे खेल सकते हैं। रमी खेलने का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्ट्रैटेजी। पहले अपने कार्ड्स को अच्छे से अरेंज करें, अपने ओपोनेंट्स के मूव्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें और याद रहे हर मूव सोच समझ कर खेलें। अपने ओपोनेंट्स के कार्ड ध्यान से देखें, उनके डिस्कार्ड पाइल को ऑब्जर्व करें। इससे आप उनके कार्ड कॉम्बिनेशंस का अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था रमी का डिटेल्ड वीडियो। अब आप रमी खेलने के लिए रेडी हैं।
अगर आपको भी ऑनलाइन रमी ट्राई करना है तो डेफिनेटली ट्राई MPL रमी। ये प्लेटफॉर्म 100% सेफ एंड सिक्योर है। MPL रमी में सिर्फ रियल प्लेयर्स होते हैं, तो आपको तो चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे MPL रमी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी गेमिंग। अगर आपको और भी ऐसे वीडियोस देखने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिले। कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन से रमी टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें।